Yes, I hear. Although I don't think this thing is legal. Okay, इस पे शायद कोई license की plate वगैरह भी नहीं है. Yeah, no number plate and all. Registration ही नहीं है इस चीज का. जुगाड़ भाई जुगाड़, तेजी जुगाड़. Damn, I feel alive. No more stressing out, no more mess around, no more getting by. Hello people, so it's me, your friend the Lost Rider here this side. I hope you're having a good time of your life. I hope all of you are doing well in your life. Well, आज के व्लॉग में बस कुछ खास नहीं होगा. मैं अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ मैकेनिक के पास. अब बाइक हो गई है थोड़ी पुरानी तो इश्यूज आते रहते हैं. एंड जब आप बाहर से कुछ चीज़ें लगवाओ तो उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा डाउट होता है कि इश्यूज आते ही हैं. सो आज पहले तो मेरे को अपनी बाइक का लॉक ठीक करवाना है. काफ़ी लूज़ हो रखा है इसकी, इसके ऊपर जो रबड़ लगी होती है वो भी निकल रही है. सबसे पहले वो ठीक कराना है और उसके बाद इंडिकेटर काम नहीं कर रहे मेरे आगे के दोनों. पहले एक नहीं चल रहा था, अब दोनों नहीं चल रहे. उसकी वायरिंग ठीक करानी है. मोबाइल होल्डर यहाँ कहीं मिलेगा नहीं मेरे को पता है, लेकिन मेरे को नया मोबाइल होल्डर लेना है. तो मोबाइल होल्डर वाला काम आज तो नहीं होगा, बाद में होगा. ये है, बाइक वॉश करानी है और मेरे को बाइक पे नया सीट कवर लगवाना है. ये जो अभी सीट कवर है वो ख़राब हो चुका है काफ़ी, तो इट्स बेटर कि ये फटे इससे पहले इसको ठीक करा लिया जाए, नया लगा लिया जाए. और आई थिंक मेरे को ब्रेक फ्लूइड चेंज कराना है और आगे के डिस्पैच भी देखूंगा. बाकी मेरी ब्रेक्स में थोड़ा सा इशू आ गया है. थोड़ा सा नहीं, वैसे है बहुत रिस्की इशू, लेकिन पता नहीं है, मेरे को लग रहा है शायद ब्रेक की मशीनरी ख़राब हो गई है. ब्रेक की मशीनरी ख़राब हो गई क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं ब्रेक पुल करता हूँ तो पूरा लीवर पुल हो जाता है लेकिन ब्रेक्स नहीं लगती हैं. एंड व्हेन आई प्रेस द सेकेंड टाइम तब ब्रेक लग जाती है. मुझे पता नहीं है क्या इशू है, लेकिन हाँ कुछ तो इशू है. गुस्सा हो गया एम्बुलेंस वाले भाई साहब. इवन कैब ड्राइवर इज डम एस, थोड़ा सा वेट ही कर लेता भाई. ऑल आई एम नॉट राइडिंग इन राइडिंग गियर्स क्योंकि अभी मेरे को मैकेनिक के पास में ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है. सो फॉरगिव मी फॉर दैट. मैकेनिक का रास्ता वैसे मेरे घर से बहुत पास में अंदर अंदर से, लेकिन मेरे घर के पास इतने सारे स्कूल है एंड इस टाइम पे स्कूल की छुट्टी होती है, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू टेक अ बिगर रूट बट विदाउट ट्रैफिक और विद लेस ट्रैफिक. क्योंकि अभी अंदर से निकलता तो मेरे को अपने वहाँ तक मैकेनिक में पहुँचने में कम से कम आधा घंटा या पौना घंटा लग जाता, इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है. सो आई थॉट व्हाई नॉट गो फ्रॉम द मेन रोड वाला एरिया. और भाई सुनने में आया है सब लोग रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं राइडिंग में यार, सब अपने रिकॉर्ड के नाम से फेमस हुए जा रहे हैं. रशलिन सबसे ज़्यादा शेयर करता है ये रिकॉर्ड्स वाला सीन. टॉयलेट काम ही नहीं कर रही, मैं फालतू में रुक गया था. चलो कोई नहीं, तो सब बड़े रिकॉर्ड बना रहे हो यार. एक बंदा लेट हूँ कन्याकुमारी, दो तीन दिन ऐसे कुछ में कुछ कर रहा है. पता नहीं कितनी भगाई होगी उसने बाइक, कितने रूल्स ब्रेक किए होंगे उस इंसान ने. लेकिन रशलेन को फ़र्क नहीं पड़ता रहा, ये रशलेन को तो शेयर करना है रे. रशलेन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई ऑथेंटिकेटेड उनका कुछ है नहीं. जो जो भी कहानी सुनाते हैं वो उसको बिलीव करके सब कुछ लिख डालते हैं, बस शेयर कर देते हैं. अब इनको ये नहीं पता कि सालों शेयर तो तुम कर रहे हो. अच्छा भाई रुक गया भाई, चाह भाई. तो भाई रशलेन वाले तो भैया है अंधे, तुम मत बनो अंधे. राइडिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये पैशन क्यों होता है लोगों में, लोग ये सब कुछ भूल चुके हैं.
Now they are here to make records. Records banate jao, ride mat karo. Ride enjoy mat karo. Records banao. Highways mein bhagate raho, sadkon mein bhagate raho, apni bikes records banate raho. Chalo bas pahunch gaya to mechanic ke paas. Pehle unse baat kare, mechanic saab se. Aram se. ओ भैया जी बढ़िया. अरे यार ये लॉक जब से लगवाया तब से लूज ही होता रहता है यार. ये वाला हाँ ये टाइट करवा दो. और इसकी ना दोनों इंडिकेटर्स की वायरिंग भी चेक करवा देना. इंडिकेटर्स नहीं चल रहे आगे वाले. ठीक है ये सारा काम करवा दो. मैं यहीं पे हूँ हो जाएगा ना. कैमरा भाई ओके पीपल. बड़ा टाइम लगा यार साला. 2 घंटा लग गया मेरे को छोटे छोटे काम के लिए. अब उसने ब्रेक का पंप चेंज किया है. अब इस पंप से ही काम बन जाएगा तो बढ़िया है वरना साला मशीन में प्रॉब्लम हुई ज़्यादा पड्डा हो जाएगा साला. अभी मैंने सीट कवर नहीं लगवाया है. अब मैं सीट कवर लगाने के लिए सोच रहा हूँ और उसके लिए शायद जाऊँगा अब दुर्गापुरी. यस आई लिव इन ईस्ट दिल्ली. सो ईस्ट दिल्ली में जिस कोने में मैं रहता हूँ वहाँ से दुर्गापुरी थोड़ा पास रहता है. और मैंने बाइक का मैकेनिकल काम भी वहाँ से करवा सकता था लेकिन यार वहाँ पे भीड़ इतनी होती टाइम और ज़्यादा लगता है मेरे को. तो यहाँ पर तो चलो फिर भी ऐसा है कि मैकेनिक लोग जानते हैं और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी तो जल्दी काम हो गया. सीट कवर. हाँ भैया जी So now I got a new seat cover as well. चलो आज का कार्यक्रम मेन तो यही था यार और तो कुछ खास था नहीं. आज का एजेंडा हुआ ओवर. छोटी सी वीडियो होगी ये. बाकी भाइयों और उनकी बहनों राइड करते रहो एंजॉय करते रहो. जहाँ पे भी राइड करना है करो यार. अपनी गली में राइड करना है करो. जिससे भी तुम्हें एंजॉयमेंट मिले वो करो. लेकिन हाँ अगर सिर्फ रिकॉर्ड कर राइड कर रहे हो तो प्लीज़ अपने लिए करो सिर्फ. नथिंग टू इम्प्रेस अदर्स. बिकॉज राइडिंग इज़ नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन. इट्स अबाउट यू शुड एंजॉय इट. Do not make this thing a competition, bro. लोग अपनी normal life से time निकाल के ride करते हैं competition के लिए नहीं. वो अपनी normal life में इतना competition झेल रहे हैं और फिर ये riding में competition. Not good, bro. Not good. पहले पढ़ लो कि riding कहाँ से start हुई थी, bro. जो तुम tours and जो तुम trip मारते हो ये राइडिंग कल्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ था क्यों स्टार्ट हुआ था वो सब पढ़ो समझो एंड देन डिसाइड.